नागौर में इस समय दो बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक बयान है कि इस बार मेरा मुकाबला उस प्रत्याशी से है जिसकी कांग्रेस पार्टी में अंदर तक बड़ी घुसपैठ है, तो वहीं दूसरा बयान है कि कोई रड़क निकालना चाहते हो तो बाद में निकाल लेना, लेकिन ये चुनाव मोदी का है इसलिए सभी साथ। देखिए, नागौर की सियासत में ये दोनों ही बयान काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इस समय नागौर की सीट न सिर्फ हॉट सीट बनकर रह गई है, अब वो वीआईपी सीट भी बन चुकी है, क्योंकि यहां टक्कर है उन दो दिग्गजों में जो जाति के आधार पर नागौर की सीट के सिरमौर बनना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। राजस्थान की राजनीति में ऊट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को परिणाम के बाद ही साफ होगा, लेकिन इससे पहले नागौर की सीट हॉट सीट नहीं वीआईपी सीट में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहां अब लड़ाई वर्चस्व की बन गई है और नागौर सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पूरा दम दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों को ही चिंता है तो अपनों से दगा मिलने की। जीत हार का दम भरने की बात करें तो इस बार सिर मुंडवाने और दाढ़ी मूछ कटवाने तक के बयानों की बौछार नागौर की राजनीति में सुनाई दे रही है। नागौर की सीट पर क्या समीकरण रहेंगे, इन तीन बातों से समझना काफी आवश्यक हो जाता है। नागौर की सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ तीन बातों को समझना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि पहला यह है, नागौर की सीट पर मुकाबला एक ही समाज के दो बड़े चेहरों के बीच है, जहां जाट वोटर अपना वर्चस्व रखते हैं लेकिन मूल ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर्स यहां निर्णायक की भूमिका अदा कर सकते हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों के परिणाम देखे तो यहां बीजेपी मजबूत नजर आई थी और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का दामन थामते हुए जनता के दिलों में जगह बनाते हुए जीत हासिल की थी। तो वही बात करें, इस बार कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हुआ है, चुनाव टक्कर काफी रोमांचक हो चुकी है। तीसरी बात जो यहां करना काफी आवश्यक है, क्योंकि इस समय ना सिर्फ नागौर बल्कि पूरे देश के कस्बों, गांव, गली चौराहों पर सिर्फ एक ही चर्चा है, वह है अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, और ये दोनों ही बातें नागौर की काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि गांवों में मायरा जाति और किसान के मुद्दे भी काफी हावी है। 2019 की अगर बात की जाए तो इन लोकसभा चुनावों में कुछ ऐसा देखने को मिला था जो शायद राजस्थान की राजनीति पहली बार देख रही है, या फिर यूं कहें कि घोड़े वही हैं, घुड़सवार बदल गए हैं। 2019 में हनुमान बेनीवाल ने जो आरएलपी पार्टी है उनका गठबंधन भाजपा से हुआ था और भाजपा ने नागौर की सीट आरएलपी के लिए छोड़ी थी, तो वहीं कांग्रेस की सीट से ज्योति मिर्धा ने यहां से चुनाव लड़ा था और ज्योति मिर्धा को पटकनी देते हुए हनुमान बेनीवाल ने यहां जीत हासिल की थी। लेकिन महज 5 साल में ही समीकरण कुछ ऐसे बदले हैं कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को अब कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा है, तो वहीं ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामन थाम लिया है और लोकसभा सीट पर अब वह भाजपा की प्रत्याशी रूप में नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल इस समय नागौर में अकेले दम पर चुनावी प्रचार में डटे हुए हैं। नागौर सीट की अगर बात की जाए तो अभी तक नागौर में हनुमान बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेस के किसी दिग्गज की रैली या सभा देखने को नहीं मिली है। हालांकि स्थानीय नेताओं का साथ हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है, लेकिन बीते दिन मन मुटाव के चलते 104 कांग्रेस पदाधिकारियों का कांग्रेस छोड़ना हनुमान बेनीवाल को कमजोर जरूर कर सकता है। इसके साथ ही अगर ज्योति मिर्धा की बात करें तो यहां ज्योति मिर्धा को फिलहाल आरएसएस से जुड़े हुए जो लीडर हैं उनका समर्थन मिल रहा है और वह ज्योति मिर्धा के लिए पूरी तरीके से नागौर में एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब यहां मोदी लहर और हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था, ऐसे में अब ज्योति मिर्धा इस समय राम मंदिर और मोदी लहर के सारे जीत का सपना देख रही हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल को अब सिर्फ कांग्रेस के परंपरागत जो वोट बैंक है उसका ही सहारा है, क्योंकि उनको वहां पर अंदर खाने फूट की भी चिंता है। नागौर के वोटर्स की अगर बात की जाए तो नागौर सीट से जहां हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं नागौर की जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। किसी को अपने ट्रांसफर की चिंता है, तो किसी को अपना घर बनाने की चिंता है,
तो किसी किसान को अपने द्वारा जो उपज पैदा की गई है उसका उचित दाम मिले, ये भी चिंता है। इसके साथ ही अगर वोटर्स की बात की जाए तो जाट लैंड के रूप में जाने जाने वाले नागौर में जाट वोटर्स ही किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे, तो वहीं मूल ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वह अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही स्वर्ण हो, राजपूत हो, इनको भी परंपरागत बीजेपी का वोटर्स माना जाता है। ऐसे में नागौर की सीट इस समय काफी दिलचस्प बनी हुई है। यहाँ के न सिर्फ जाट वोटर्स साथ ही अन्य वोटर्स भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की टक्कर में हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, या फिर राम मंदिर और मोदी लहर का असर देखने को मिलेगा और ज्योति मिर्धा हार का बदला क्या हनुमान बेनीवाल से ले पाएगी। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।